मुंडी और आकाश वीडियो में स्वागत और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है मुंबई डबल डेकर बस इज बैक इन इलेक्ट्रिक अवतार स्विच ईवी 2022 वॉक अराउंड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियरफ्लिक। मुंबई की एक बहुत ही आइकॉनिक चीज़ हुआ करती थी इसकी डबल डेकर बसेस, और अब ये डबल डेकर बसेस वापस आ गए हैं। कुछ साल पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे और ये अब वापस आ चुके हैं इन इलेक्ट्रिक फॉर्मेट। ये है इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विच इज़ लॉन्च्ड बाय स्विच मोबिलिटी। इसका नाम है स्विच EIV 22 यानी डबल 2। सो EIV 22 जो है ये एक डबल डेकर बस है जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है जी। ये जो तो एक नज़र डालते हैं इस पर। ये जो बस है ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे देखिए इसके हेडलाइट्स है, बहुत ही क्लीन लुक है इसमें। और अगर हम इसे साइड से देखें तो ये है इसका लुक। अब ये रेगुलर डबल डेकर से लेंथ में थोड़ी सी छोटी ज़रूर है, लेकिन हाइट उतनी ही है, काफ़ी ऊंची है ये। और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है, 650 वोल्ट्स का इसमें सिस्टम है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऑलमोस्ट डबल द पैसेंजर्स को ले सकती है, लेकिन इसका जो कर्व वेट है ये सिर्फ 18% ज़्यादा है। इसमें 231 kWh कैपेसिटी की बैटरी है और लिक्विड कूल बैटरी है। ये हाई डेंसिटी NMC आर्किटेक्चर की ये बैटरी है और इसका जो रेंज है ये 250 किलोमीटर्स का यानी 250 किलोमीटर का रेंज है इन सिटी यूजेज। मतलब बस को यूजुअली जब हम सो मैं कह रहा था कि जैसे ही आप बोर्ड करते हैं इसे पीछे से, ये इस तरह का स्टेयरकेस है ऊपर जाने के लिए। तो पहले मैं आपको ऊपर का सेक्शन दिखाता हूँ, है ना। बिल्कुल ये है इसके ऊपर का सेक्शन। अच्छी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं इसके। फिर से इस तरह से आप नीचे जाते हैं। दिस इज़ द व्यू। ग्लास एरिया काफ़ी है इसमें, लेकिन फ्रंट पे और ये जो एरिया है देखिए ये इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और ये हम आ गए नीचे। और ये है नीचे का सेक्शन, द लोअर डेक। यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको सीट्स नज़र आएंगे। ग्लास एरिया से मैंने कहा बहुत ही बड़ा है। और ये देखिए दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट आउटसाइड जब आप सीट पे बैठ के राइड करेंगे इस बस को। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे शूट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैसे ये भाई साहब अभी सामने ही खड़े हैं बिल्कुल। और चलिए मैं आपको ये बस दिखाता हूँ फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है जहाँ पे ड्राइवर हमारे विराजमान होंगे और ये इसके कंट्रोल्स हैं। बीच में आपको एक डिजिटल इंसेट दिखेगा विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसके स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर भी है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स हैं। ये एक प्रोटोटाइप है और इसलिए ये थोड़ा सा टैकी लग रहा है अभी, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्लास ब्रेक करने के लिए जो हैमर लगता है वो यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले बोर्ड है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए है, लेकिन एक एंट्री नहीं है, यहाँ पे दो एंट्रीज है और यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। एक और ख़ास बात ये है कि ये बस जो है एयर कंडीशन है। तो दिस ऑल्सो यूनिक फॉर अ डबल डेकर। इलेक्ट्रिक के साथ साथ ये एयर कंडीशन भी है। और यहीं से आप एग्जिट करते हैं इस तरह से। सो दिस इज़ द EIV 22। एक और लुक आपको इसका दिखा देता हूँ पीछे से। ये इसके पीछे का लुक है। रियली टॉल टावरिंग बस है ये। और ये जो कंप्रेसर चल रहा है इसका AC का, ये उसकी आवाज़ है। इनफैक्ट ये आवाज़ वैसी ही है जैसे रेयर इंजन बसेस की होती है उसी तरह से आवाज़ है, क्योंकि कंप्रेसर जो है एसी का ये बहुत ही बड़ा है और उसी की आवाज़ आपको ये सुनाई दे रही है। सो दिस इज़ हाउ द बस विल लुक ऑन द रोड। सो आप हमें बताइए दोस्तों कि आपको ये डबल डेकर बस कैसी लग रही है। ऑफ कोर्स ये मुंबई की शान बहुत जल्द फिर से बन जाएगी, क्योंकि बीएसटी ने ऑलरेडी 200 बसेस का ऑर्डर दे दिया है और बहुत जल्द ये रोड्स पे होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या आप इस बस को और देखना चाहते हैं रोड पे, क्या आप अपने शहर में भी यानी मुंबई के बाहर अगर आप रहते हैं तो वहाँ भी आप देखना चाहते हैं। नहीं, फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अभी कुछ दिन पहले जो है हमने देखा था कि इनॉग्रेशन जो है इस बस का हुआ था और आने वाले वक्त में जो है मुंबई की सड़कों पे बसें दौड़ती हुई नज़र आएंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। क्योंकि इससे पहले जो है जो बसेस चलती थी वो नॉन एसी थी, इसका ये फ़ायदा कि ये एसी बसेस हैं। वैसे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना इस बस में वो इसके विंडोज़। हाँ I mean, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है, कि एक जो हम लोग कन्वेंशनल चीज़ें देखते आ रहे हैं शुरू से, बिल्कुल आपको उसके अब ऑपोजिट चीजें देखने को मिल रही हैं। बहुत ही मैं कहूँगी कि एक स्मार्ट लुक है इसकी, और स्पेशली अगर मैं उसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ तो मुझे वो ज्यादा अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे वो ज्यादा स्पेशियस लगा नीचे वाले से। वो था और जो है उस पर हम दोनों की बहस है कि ये कह रही पीछे वाली सीटें ज्यादा अच्छी हैं और मैं कह रही फ्रंट व्यू ज्यादा अच्छा होगा। आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आगे तो फ्रंट पर बैठकर आपको मजा आता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे भी बैठकर मजा आएगा, जो लास्ट वाली 3 सीट थी ना। और वैसे भी मैं फिर वही बात है, इसमें तो रोले वाली बात ही नहीं है भाई, क्योंकि उन्होंने सब विंडोज इतनी बड़ी बड़ी बना दी हुई है कि मुझे लगता है कि सब लोग एंजॉय करेंगे। ये चीज़ अच्छी है। हाँ, और दूसरा ये चार्जिंग जो है I mean, सिंगल चार्जिंग पर इतना ज्यादा वो हम 250 किलोमीटर चलेगी विद इन सिटी, तो मतलब ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ई व्हीकल्स मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से काफी ज्यादा मैं कहूँगी कि एक वो कहेंगे ना बजटेड व्हीकल्स हैं कि हाँ। ये काफी लो कॉस्ट में आपको अच्छा एक माइलेज देती है। यार इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि आने वाले टाइम में जो है ना, यानी कि जो टाइम है अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ई व्हीकल्स जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ग्रैब करने वाले हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि भाई फ्यूल की बचत, जहाँ पे हम क्या नाम लेते हैं 4,000-5,000 रुपये में अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं, वहीं पर आप जो है 200-300 रुपये में जो है अगर आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है और आप 250-300 किलोमीटर चले जाते हैं। चले गए, थोड़ी ज़्यादा भी प्राइस हो चार्ज करने में, लेकिन देखा जाए तो जो पेट्रोल है या डीजल है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता पड़ेगा। पहले तो ये जो है शंका कहना थोड़ी सी वो था कि क्या नाम लेते हैं, यानी कि मेरे जहन में क्वेश्चन था कि पहाड़ों पे कैसे जाएगी। भी रिसेंटली जब हमने महिंद्रा की भी जो गाड़ी देखी उसमें भी ये चीज़ भाई बता दी कि जो है 4x4 जो है वो आ जाएगी इसमें भी। इवन कि हम लोगों ने स्कूटर्स देखे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वो भी जो है वो पहाड़ों पर बड़े अच्छे आराम से चल सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो ई व्हीकल्स जो हैं मतलब उस तरीके से उन पर काम नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से हम लोग इंडिया में देख रहे हैं और बाकी सारी दुनिया में देख रहे हैं, तो जो I mean, क्या पर यूनिट कितना चार्ज किया जाता हो वहां पर जब चार्जिंग स्टेशन में, तो क्या लगता है क्या होती होगी प्राइस रेंज? यार जहाँ तक मुझे लगता है कि तो मैक्सिमम कोई 200-300 रुपए तो होगा, इतना तो करते होंगे चार्ज, यानी कि फुल चार्जिंग में कह रहे हो मैक्सिमम इतना तो होगा यार कम से कम। मतलब अगर देखो मेरे एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जब एक बस या एक गाड़ी को कार को चार्ज किया जाता है तो पर यूनिट ही वहाँ पर चार्ज किया जाता होगा ना। ऑफ कोर्स जो है वो कंज्यूम होते होंगे उसको बस को मतलब रिचार्ज करने में और कार को रिचार्ज करने में। ये मुझे नहीं पता ये हाँ। तो क्या नाम लेते हैं ये मैं क्या हम लोग लेकिन हाँ अगर चार्जिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है या तो कंपनी के साथ, जिस कंपनी की गाड़ी होगी उसके साथ मंथली आपकी डील होगी या पर चार्ज जो है इस तरह का कोई जो है वो सिस्टम होगा। हम अपने व्यूअर्स से पूछते हैं, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन जो हमारे जहन में आते हैं तो फिर हम लोग आपके माध्यम से जान लेते देते हैं। और उसकी रीजन ये है कि भाई इंडिया में इतनी ज्यादा गाड़ियां जो वो ई व्हीकल्स जो अभी यू नो ऑन रोड आपको देखने को मिल रही हैं, और जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा स्विच कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई स्वदेशी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप डेवलपमेंट की मतलब की तरफ जा भी रहे हो और उस प्रोसेस में है भी, तो आप दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रहे, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपने सेक्टर्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। सो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। और बाकी भाई अभी तक किसने अगर ये प्रोटोटाइप है तो बाकी जो मतलब अभी तक आएगी उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हर नई चीज जो आती है उसके लिए लोग इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं और इतना ज्यादा उसको वेलकम करते हैं। इवन के बहुत सारी वीडियोस हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो आई एम श्योर उसके लिहाज से भी हमें कोई ना कोई वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगी। और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट के बारे में। और इसी के साथ हमें गुड बाय।